हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बोले तंत्र पर। आशा करता हूँ महादेव रोध की कृपा सभी पर बनी रहे। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे 10 महाविद्याओं में जो 8वें नंबर पर जो देवी आती हैं, जिनकी शक्ति का बखान तो मैं इतने कम समय में कर ही नहीं सकता। ठीक है, जैसा कि आप सभी को पता ही होगा माँ बगलामुखी के बारे में। ठीक है, उनके जो स्वयं महाकाल भैरव बनकर उनकी रक्षा करते हैं, उनके साथ चलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सोचिए जब महाकाल उनके साथ हैं तो उनकी शक्ति के बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं कितनी शक्ति उनकी पास होगी। ठीक है दोस्तों, देखिए इनकी सिद्धि जिसको प्राप्त हो जाती है, जिसको मतलब इनकी कृपा प्राप्त हो जाती है, उसकी वाक सिद्धि, उसके चेहरे पे तेज, उसकी आँखों में तेज, वाद विवाद शत्रुनाश, उसका मतलब समझ लीजिए कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, क्योंकि वो स्तंभन की देवी हैं। ठीक है, अगर स्तंभन की शक्ति किसी आदमी मनुष्य के पास आ जाती है तो उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। मोस्टली यही देखा गया है कि देखिए जो माँ बगलामुखी की साधना करते हैं, जो साधक होते हैं, वो उनकी जो वाक सिद्धि होती है, वाद विवाद में, चर्चा में, कोई उनको जल्दी हरा नहीं पाता है, पराजित नहीं कर पाता है। इसीलिए ही अधिकतर नेता, मंत्री, वकील जितने अधिकतर होते हैं माँ बगलामुखी की ही उपासना करना पसंद करते हैं, जिससे कि उन्हें इनकी कृपा प्राप्त हो और वो अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ते रहें और उनको कोई परास्त ना कर पाए। ठीक है दोस्तों, दोस्तों अभी तक आपने मेरा अगर YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए भोले तंत्र को। ठीक है, जिससे आने वाले समय में आप सभी को मेरी रोज़ आने वाली 1 से 2 वीडियो, जानकारी, साधना, तंत्र मंत्र, किसी भी तरीके की जानकारी हो, सूक्ष्म जगत की हो, आध्यात्मिक क्षेत्र की हो, ठीक है, वो आप सभी तक पहुंच सके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, जिससे कि नोटिफिकेशन आप तक आ सके। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, जो माँ बगलामुखी हैं, ठीक है, वो स्तंभन शक्ति की जो अधिष्ठार्थी हैं। ठीक है, स्तंभन शक्ति की उनसे ज़्यादा किसी के पास पावर नहीं है। ठीक है, वो अपने शत्रुनाश, वाक सिद्धि और हर चीज़ में विजय प्राप्त कराने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए बहुत ही मतलब ज़्यादा कारगर होती हैं। ठीक है, अगर शक्ति, इनकी शक्ति और कृपा किसी पर प्राप्त हो जाए तो समझ लीजिए कि वो मालामाल और उसको चारों दिशाओं में उसका डंका बजने लगता है। ठीक है दोस्तों, ये समझ लीजिए कि हल्दी के जल से जब ये प्रकट हुई थी तभी इनका नाम पीताम्बरा देवी भी पड़ गया, जिससे मतलब कई राज्यों में, कई जगह पे इनको पीताम्बरा देवी भी बोला जाता है। ठीक है दोस्तों माँ बगलामुखी स्तंभन की शक्ति अधिष्ठार्थी हैं, जैसे आपने अभी मैंने बताया। ठीक है, और भैरव जी जो उनके साथ हैं, जो वो महाकाल स्वयं उनके साथ चलते हैं। ठीक है, ये अपने भक्तों से भय को दूर करके शत्रुओं और उनके बुराइयों का नाश करती हैं। ठीक है दोस्तों, इनकी सही तरह से अगर कोई पूजा अर्चना विधि विधान पूर्वक कर ले तो वह निश्चित रूप से सफलता दिलाने में सक्षम हो जाता है। ठीक है दोस्तों, इनकी सिद्धि हो जाने पर शत्रुओं का शमन तो होता ही होता है, कोर्ट कचहरी में, विवाद में और अपने विरोधियों का मुंह बंद करने के लिए इनकी सिद्धि बहुत प्रभावशाली मानी जाती है, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। ठीक है दोस्तों, सिद्धि के बाद आपकी आँखों में तेज बढ़ने लगेगा, चेहरे पर तेज बढ़ने लगेगा, आपकी ओर कोई निगाह उठा के भी देखने में हिचकिचाएगा। ठीक है, आपसे ही मतलब दब के बात करेगा और एक आपके सभी मतलब उचित कार्य सहज होते जाएंगे अपने आप। ठीक है दोस्तों, देखिए माँ बगलामुखी की सबसे मेन जो काम होता है वो होता है शत्रुनाश का और वाक सिद्धि प्राप्त करने का। ठीक है दोस्तों, वाक सिद्धि से आपका तेज बढ़ेगा। ठीक है, आपके अंदर की बुद्धि और आपकी जो जिव्या है, जीव शक्ति है, वो बोलने में बहुत माहिर आपको बना देगी, जिससे कि आप सामने वाले को बातों से ही परास्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और शत्रुनाश अपने आप होने लगेगा, कोई आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा और आपका जो कार्य है वो अपने कार्य में आप सफलता प्रदान होते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों मैं इसका मंत्र बता देता हूँ, फिर आपको विधान बता देता हूँ। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों मंत्र मैं 2 तरीके से बताऊँगा आप लोगों को। ठीक है, कैसे मतलब अगर किसी शत्रु का नाश करना है या फिर किसी को स्तंभन करना है तो उसके लिए कैसे मंत्र जाप करेंगे और मंत्र जाप ऐसे मतलब साधना कैसे करेंगे। ठीक है दोस्तों, मंत्र सुन लीजिए। ओम ह्रीम बगलामुखी सर्व दुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभ जिभ्याम कीले बुद्धि विनाशय ह्रीम ओम स्वाहा। ठीक है दोस्तों, ये मंत्र है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी को मंत्र मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, और दूसरी तरीके से भी मैं बता दूं, उसमें अगर जिव्या कीले
पदम स्तंभन, ठीक है। तो उसके बाद एक अमुक शब्द जोड़ना है। अगर आप मान लीजिए किसी के लिए जाप कर रहे हैं, किसी शत्रु के लिए जाप कर रहे हैं, तो उसमें शत्रु का नाम भी जोड़ के उसका जाप कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो वो शत्रु जल्द से जल्द आपके सामने घुटने जरूर टेक देगा, ठीक है दोस्तों। दोस्तों देखिए, इनको पीताम्बरा देवी भी बोला जाता है, इसीलिए उनको पीली चीज़ें ज़्यादा चढ़ाई जाती है, हल्दी का और स्वर्ण से की तरह सोने की चीज़ें कि जिनका रंग हो पीला हो, ठीक है, सुनहरा रंग हो, उनको बड़ा प्रयोग होता है। इनके पीले फूल इनको पसंद होते हैं, पीली मिठाइयाँ पसंद होती हैं, पीला भोग ही चढ़ता है, पीले वस्त्र चढ़ते हैं, पीला आसन होता है, हर चीज़ मतलब देखा जाए तो हर चीज़ पीले रंग सुनहरे रंग की हल्दी की ही होनी चाहिए, तभी वो कुछ ज़्यादा जल्दी होती हैं, ठीक है दोस्तों। इनका 41 दिन का पूरा विधान होता है। 41 दिन अगर कोई बंदा 1,25,000 जाप करने के 1,25,000 जाप कर ले, उनकी कृपा आपको प्राप्त होगी ही होगी, ठीक है दोस्तों। उत्तर दिशा पश्चिम दिशा दोनों दिशा में आप बैठकर जाप कर सकते हैं। घी का दीपक प्रज्वलित होगा, माँ की मूर्ति सामने होगी या फोटो ले सकते हैं, ठीक है। पीला आसन होगा, पीले कपड़े आपके भी होंगे, पीला आसन आपका भी होगा, नहीं पीला अगर आसन नहीं है है तो लाल आसन भी चल जाएगा, ठीक है। उत्तर या पश्चिम दिशा की तरफ मुख करके आपको साधना करनी है। आप जरूरी नहीं है कि माला से करें, आप हाथ की उंगलियों से भी कर सकते हैं गिनकर, ठीक है दोस्तों। भोग पीली मिठाई का ही लगेगा, फूल पीला ही चढ़ेगा, अगरबत्ती होगी 2 बत्ती होगी, ठीक है। शुद्ध वातावरण होगा, 41 दिन का आपको चिल्ला पूरा करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। अगर आप खुद ही प्रभाव आपका देखना होगा तो आपको 3रे या 4थे दिन से ही आपको इसका प्रभाव अपने आप पता चलने लगेगा, जब माँ की कृपा आप पे पड़ने लगेगी, ठीक है दोस्तों। तो यही थी वीडियो आज की, आशा करता हूँ अच्छी लगी होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, ठीक है। और आने वाली वीडियो के लिए सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी को मंत्र का दूसरा वाला विधान भी मिल जाएगा, कैसे करना है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में आपको एक और महाविद्या के बारे में बताएंगे, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय बाबा की।